हम्मा गणेशा, आज मैं आपको प्याज की कढ़ी बनाकर बताऊंगी। इसके लिए मैंने लिया है आधा लीटर छाछ। यह छाछ ज़्यादा खट्टी नहीं है, अगर छाछ खट्टी हो तो आप उसमें थोड़ा पानी मिला लें। तेल, इसकी जगह आप घी भी ले सकते हैं। आधा कटोरी लिया है बेसन। 3 बड़े प्याज लिए हैं जिसको मैंने पतला और लंबा काट लिया है, क्योंकि यह कढ़ी प्याज की है तो हमें थोड़े प्याज ज़्यादा चाहिए। 2 सूखी हुई लाल मिर्च, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 6 से 7 कली लहसुन जिसको हमारे दस्ते मच्छा कूट लिया है, 5 से 6 कड़ी पत्ते, नमक, राई, जीरा, मेथी दाना, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर। तो सबसे पहले हम इसका घोल बनाएंगे। इसके लिए छाछ में डालेंगे बेसन और इसे अच्छी तरह से घोल लेंगे। छाछ में एक भी गुठली नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि जब हम कढ़ी बनाएंगे अगर उसमें गुठली रह गई तो वो फिर नहीं टूटेगी। तो अच्छी तरह से मिलाकर हमें बेसन को इसमें घोल लेना है। ये देखिए आप, हमारा छाछ और बेसन का एकदम अच्छा घोल तैयार हो गया है। तो अब गैस पे रखा है भगोला और इसमें डाला है 2 चम्मच तेल, 1 चम्मच जीरा। तो गैस को बिल्कुल धीरे कर दिया है और अब डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच राई और 1/4 चम्मच मेथी दाना, सूखी हुई लाल मिर्ची, करी पत्ता और अब हम इन्हें हल्का सा भून लेंगे। जीरा हमारा भून जाना चाहिए और राई भी फूट जाना चाहिए। फिर डालेंगे प्याज। अब हम प्याज को भूनेंगे। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हमारे ये प्याज ये हल्का गुलाबी होना चाहिए और बिल्कुल अलग अलग होना चाहिए। यह इस तरह से हमें भूनना है। आप देखिए यहाँ पर हमारे प्याज के जो स्लाइस हैं सब अलग अलग हो गए हैं। तो अब हम डालेंगे हरी मिर्ची और कुटा हुआ लहसुन, इसे भी 2-3 मिनट अच्छा भून लेंगे। तो यहाँ पर हमने इन सबको भून लिया। अब हम डालेंगे हल्दी पाउडर। यहाँ पर मैंने आधे से थोड़ा ज्यादा चम्मच हल्दी पाउडर डाला और 1 चम्मच भर के डाला है लाल मिर्ची पाउडर। अगर आप तीखा कम पसंद करते हैं तो कम डालिए। तो हल्का सा इसे भी हम भून लेंगे। थोड़ा सा हम पानी डालेंगे जिससे कि हमारे मसाले जले नहीं। बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला है और अच्छी तरह से इसे भूनेंगे ताकि हमारा मसाला भी पक जाए प्याज के साथ अच्छी तरह से। तो यहाँ पर हमारा मसाला पक गया है और इसने तेल भी छोड़ दिया है। अब हम डालेंगे छाछ और बेसन का घोल। अगर आपके पास छाछ नहीं है तो आप दही को मथ कर उससे भी यह कढ़ी बना सकते हैं। गैस की फ्लेम अब हमने बढ़ा दी और अब हम लगातार इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। कई बार अगर आप चम्मच नहीं चलाएंगे तो आपकी कढ़ी फट सकती है। तो लगातार आप 1 उबाल आने तक इसमें चम्मच चलाते रहें। जैसे जैसे ये पकेगी कढ़ी हमारी गाढ़ी होती रहेगी। तो 1 उबाल आ गया। अब हमने गैस को बिल्कुल धीरे कर दिया। फिर हम डालेंगे 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए। एक बार हम इसे मिला लेंगे और अब हम धीरे गैस पर इसे कढ़ी को 9 से 10 मिनट तक अच्छी तरह से पकने देंगे। 9 से 10 मिनट हो गए हमारी कढ़ी को पकते हुए। कढ़ी थोड़ी गाढ़ी भी हो गई है। तो अब हमारी कढ़ी बनकर तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। मेरे पास ताजा फ्रेश धनिया नहीं था इसलिए सूखा हुआ हरा धनिया डालिए। आप ताजा हरा धनिया डालिए तो इससे इसका स्वाद और भी अच्छा होगा। तो लीजिए, हमारे प्याज की कढ़ी तैयार हो गई है। इस कढ़ी को आप जितना ज्यादा पकाओगे उतना अच्छा यह कढ़ी बनेगी। यह कढ़ी जितनी भी दूसरी कढ़ी होती है उससे थोड़ी गाढ़ी होती है तो इसका स्वाद अच्छा लगता है। और इस कढ़ी का स्वाद हमें बाजरे की रोटी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।